नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चारू चौधरी और हमारे चैनल सुविद्या में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे उपमा अलंकार के अंगों के बारे में। दोस्तों ये बताने से पहले, मैंने जैसा कि शेयर किया है, हमारा एक नया चैनल चारू चौधरी सुविद्या ने शुरू किया है, आप उसको भी उतना ही प्यार दें। मैंने एक अलंकार की वीडियो डाली है, अगर आप अलंकार से को ब्रीफ में जाना चाहते हैं, उसको विस्तृत जानकारी चाहते हैं, तो मैं आपको वो जो लिंक है इस वीडियो में नीचे दे रही हूँ, आप उसको सब्सक्राइब करें, देखें। अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं उपमा अलंकार के अंगों के बारे में, तो उससे पहले हम समझ लेते हैं अलंकार को। मैं शॉर्ट में समझा देती हूँ, जो शब्द काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं उसे कहते हैं अलंकार। अर्थात जैसे कि कोई नारी आभूषणों से स्वयं को सजती है, स्वयं को और सुंदर दिखने का प्रयास करती है, उसी प्रकार कुछ शब्दों का ऐसा प्रयोग किया जाता है जो कि काव्य की शोभा को बढ़ा देते हैं, वह होते हैं अलंकार। और उपमा अलंकार की बात की जाए तो जब किसी से उपमा की दी जाती, किसी से तुलना की जाती है, तो वह होता है उपमा अलंकार। आइए दोस्तों अभी हम जानेंगे उपमा अलंकार के अंगों के बारे में। आपने जब भी देखा होगा, कभी गूगल पर सर्च करते हो, नोट्स बुक्स में देखते हो, इसमें उपमेय के उपमान में होने की तुलना की जाती है, उपमान के उपमेय में होने की तुलना की जाती है, इन दोनों में उपमेय उपमान में समानता दिखाई जाती है, तो बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि उपमेय और उपमान में हमेशा कन्फ्यूज़न रहता है, तो वो कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है, ध्यान से सुनिएगा। उपमेय पहला अंग है उपमेय। अभी उपमेय क्या होता है? जो वर्णन का केंद्र बिंदु है, जिसके बारे में वर्णन हो रहा है, जो मेन विषय है काव्य का, वह होता है अब ये उपमेय। उदाहरण मैं आपको यहाँ दे देती हूँ, मुख चंद्रमा सा सुंदर। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, मुख चंद्रमा सा सुंदर। तो यहाँ पे कहाँ, किसके इर्द गिर्द घूम रहा है ये जो पंक्ति है, मेन फोकस किस पे है? मुख पे। तो ये क्या होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया उपमेय क्या है, मेन जो विषय है वो होता है वर्णन का मुख्य बिंदु क्या है, मुख, क्योंकि हम चेहरे के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो हो गया उपमेय। मान लीजिए आपकी तुलना हो रही है आमिर खान जी से, तो आप क्या हुए उपमेय और आमिर खान क्या हुए उपमान। तो यहाँ पे अभी हमें आपको बताती हूँ दूसरा पॉइंट, उपमान जिससे तुलना की जाती है, वह प्रसिद्ध चीज, प्रसिद्ध वस्तु, प्रसिद्ध गुण जिससे आपकी तुलना की जा रही है, प्रसिद्ध हस्ती, तो वह होता है उपमान। उपमान यहाँ पे क्या हुआ, मुख चंद्रमा सा सुंदर, तो किसके समान बताया आपको, चंद्रमा के समान। अभी आपका मुख ओनली सुंदर कह देते तो शायद आपको अच्छा नहीं लगता, परंतु जब आपको चंद्रमा से तुलना करती तो हम बड़े खिल उठते हैं, तो ये हुआ उपमान। अभी हम बात करते हैं साधारण धर्म। साधारण धर्म क्या होता है दोस्तों, जहाँ पे उपमेय और उपमान दोनों में क्या समान विशेषता है जो बताता है, वह होता है साधारण धर्म। तो दोनों क्या हैं, मुख और चंद्रमा दोनों क्या हैं, दोनों सुंदर हैं, तो यहाँ पे साधारण धर्म क्या हुआ, सुंदर। और अंतिम है वाचक शब्द। वाचक शब्द क्या है, सा, जो तुलना की गई है, सा, जैसा, सदृश, तो ये सारी जो चीजें हैं ये होती हैं वाचक शब्द। तो एक बार मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना, जिस पंक्ति में मुख्य बिंदु है, जो विषय है, जो वर्णन का केंद्र है, वह होता है उपमेय। जिसके समान आपकी तुलना की जाती है, वो प्रसिद्ध हस्ती, वो प्रसिद्ध वस्तु, वो प्रसिद्ध चीज, वह गुण जिससे आपकी तुलना की जा रही है, उस वस्तु की तुलना की जा रही है कि अरे उसके समान ये, तो वह होता है उपमान। तीसरा है साधारण धर्म। साधारण धर्म क्या होता है, जो दोनों में सेम चीज क्या है, समानता क्या है उन दोनों में, मुख भी सुंदर है, चंद्रमा भी सुंदर है, तो साधारण धर्म क्या हुआ, सुंदर।
और वाचक शब्द अंतिम है वह है सा, जैसे कि जिसके समान हम तुलना के लिए जिस शब्द का प्रयोग करते हैं तो वह होता है वाचक शब्द। तो दोस्तों उपमा अलंकार के चारों ही अंग जिनके बारे में आप समझ चुके होंगे, उम्मीद करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।